पानीपत के एसडीवीएम स्कूल के बाहर अध्यापक धरने पर डटे हुए हैं। अध्यापक लगभग 8 दिन से ज्यादा यहां धरने पर बैठे हुए हैं। टीचरों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन बच्चों से पूरी फीस लेने के बाद भी उन्हें उनके पिछले एरियर का भुगतान नहीं कर रहा है और कोविड के दौरान से ही आधी सैलरी दे रहा है। साथ ही एक फॉर्म पर साइन करवा रहा है जिस पर लिखा है कि टीचर्स इस सैलरी से संतुष्ट हैं। धरने पर बैठे टीचर स्कूल के प्रबंधन और प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, ये टीचर्स पर कोई जुल्म ना करे। साथ में टीचर्स चेतावनी भी दे रहे हैं कि मांगे पूरी होने तक चलेगी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन। बताते चले कि शिक्षक अपनी मांगे मनवाने के लिए पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन व अन्य सदस्यों ने भी टीचर्स की मांग पूरी करने के लिए मौजूदा प्रबंधन पर दबाव डाला है। अब ये देखना है कि धरने पर बैठे टीचर्स के साथ मौजूदा प्रबंधन किस तरह का रुख अख्तियार करता है। वही टीचर्स ने स्कूल प्रबंधन पर वेतन ना देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग पिछले लगभग 25-25 सालों से स्कूल में कार्यरत हैं, लेकिन प्रबंधन द्वारा लगातार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए जाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभिभावकों से बच्चों की पूरी फीस ली जा रही है, लेकिन उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन पर तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जबरन लेटर पर साइन करने के लिए कहा जा रहा है। टीचर्स ने कहा कि वह पहले दिन से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्कूल प्रशासन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा और लगातार उनकी सैलरी में कटौती कर रहा है। टीचर्स ने कहा कि मांगे पूरी ना होने तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पानीपत से संवाददाता प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। जी हमारे मतलब बहुत सारे टीचर, पहले तो इन्होंने पूरी सैलरी डाली, फिर 33 टीचर ऐसे हैं जिनकी सैलरी इन्होंने पिछले 3 महीने से बिल्कुल ही नहीं डाली है। तो हम कहाँ पे जाएं, हमें 8 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। 8 दिन से ये मतलब टीचर यहाँ धरने पे बैठे हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। और पता नहीं ये स्कूल प्रशासन जो है इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा। स्कूल सफ़र कर रहा है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, टीचर सफ़र कर रहे हैं, मगर ये चेयरमैन साहब या प्रिंसिपल मैम इनको कोई चिंता नहीं है। इनको सबसे पहली मांग तो ये है कि अप्रैल से लेके जनवरी तक की जितनी भी हमारी पेंडिंग सैलरी जो बकाया बचती है वो हमें मिलनी चाहिए, जो नहीं दी इन्होंने। और 33 टीचर ऐसे हैं जिनको 3-4 महीने की सैलरी बिल्कुल ही नहीं दी गई। बच्चों से फीस ली जा रही पूरी? बच्चों से 95% फीस जो है बच्चों की ऑन रिकॉर्ड है, वो कोई भी चेक कर सकते हैं। मैं एसडी विद्या मंदिर स्कूल में 28 साल से जॉब करती हूँ। स्कूल का अगर है नाम मेरा, और जो हमारे मेन मुद्दे हैं वो सैलरी को लेके हैं कि हमने बोले अप्रैल 2020 से जो हमारी पेंडिंग सैलरी है वो हमारे अकाउंट में शिफ्ट करवा दो 31 जनवरी 2021 तक की। और उसके बाद एक मेन मुद्दा है कि जो प्रिंसिपल रिटायरमेंट पे बैठी हुई है तो स्टाफ उनके साथ काम करना नहीं चाहता, तो वो ये कह रहे हैं कि मैम रिज़ाइन दे दे या मैनेजमेंट किसी और प्रिंसिपल को डेप्यूट कर ले यहाँ पर। तो और एक हमें जॉब स्कोर भी मिलेगा। उसके बाद जो हमारी और मांगे हैं 7th पे एडमिशन की है, ग्रेड में अप्स एंड डाउन्स है, उन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, वो हमें बता दें वो कब तक पूरे करेंगे। सैलरी क्यों नहीं देना चाहती मैनेजमेंट आप? अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। अब फंड्स तो हैं, जब बच्चों की फीस आ चुके 95% एंड अबाउ, और हम तो तैयार हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अभी तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब सैलरी दे और कब हमें अंदर बुलाए। 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, ये तो कोई हमने कुछ मांग तो नहीं दिया सर। पत्र था तो हर टीचर को बोला गया कि जो सैलरी मुझे कोविड-19 के अंदर जो स्कूल है ना वित्तीय संकट से गुजर रहा है, जो सैलरी मुझे मिलेगी मैं उससे संतुष्ट हूँ, ऐसा लिखवाने के लिए बोला। तो मोस्टली टीचर्स ने लिख भी दिया था, लेकिन कुछ टीचर्स ने देखा कि ये तो हमारे हाथ काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मनसा ठीक नहीं थी। इन्होंने बताया कि इसके ऊपर डेट मेंशन ना करना। फिर हम समझ गए कि हो सकता है जून वाला लेटर नहीं इन्होंने फड़वा करके बाद में डाल दें और ये बकाया जो सैलरी है हमारी पेंडिंग उसको ना दें। लेकिन अब कुल मिला के ये है कि सैलरी ही मुख्य मुद्दा है, भी सैलरी आपको नहीं दी जा रही। इसका मुख्य मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, ये विरोध कहाँ से है कि टीचर्स और जो है मैनेजमेंट का यहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। टीचर्स को के बारे में हम उसका कम्युनिकेट कौन कराएगा? प्रिंसिपल मैम। अब हमारी जो बातें हैं वो प्रिंसिपल मैम मैनेजमेंट के सामने सही ना बता रही हों, हमारे को तो टीचर्स को तो उन्होंने नकारा घोषित कर दिया। फाइनल डिसीजन सर हमारा ये है, जब तक हमारी सैलरी पूरी नहीं मिलती, पेंडिंग सैलरी है, तब तक हम धरने पर बैठे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंकवेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.